that is the d vector. D vector only depends upon the source charge. E vector depends upon the medium property. So similarly in here as well, I am making an analogy. एक तरीके की समानता देख रहे हैं हम लोग electrostatics और magnetostatics. तो यहाँ पे H field जो है this is independent. Independent of medium property. Okay. And this B field, this is a medium dependent variable. So that is why this B field is we talk more about this B field. This is flux density, magnetic flux density. Okay. So why B? Why not H? Why B is more important? H is also important, but we need to see parameters that varies in a medium. Actually, we are more interested in validating. In validation of these fields, like in electrostatics, we related this electric field to the force applied on a test charge by the source charge. So we are able to experience this field by the medium of experimentally evaluating the force on the test charge. Okay, that's why electric field you are more concerned about. Okay, but in magnetic field, if you see, this H is depending upon the current source, and this B field, it produces the force. When you will go on, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अगली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होता है बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन दिस बी field. It varies, that force varies when the medium changes. Okay, एक अगर current carrying conductor एक magnetic field में रखिए तो that is important by in which medium it is. If we change the medium, then this field deteriorates. Field थोड़ा हल्का हो जाता है और इस कारण से आपके जो फोर्सेस हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगते हैं वो भी कम हो जाते हैं. ओके, दैट इज व्हाई वी रिलेट वी मेक दिस बी फील्ड इक्विवेलेंट टू ई फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ई फील्ड करती है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में बी फील्ड करती है, लेकिन दोनों बहुत ही अंतर है. ठीक है, बी जो है फ्लक्स डेंसिटी है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, एक और चीज आप देखेंगे, ये दोनों ही फील्ड्स जो है ये दोनों फील्ड मीडियम पे डिपेंड करते हैं. ओके, ये दोनों ही फील्ड मीडियम पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको इक्विवेलेंट मानते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ई है मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो बी होता है. ओके, और ये एच वेक्टर और बी वेक्टर को इक्विवेलेंट मानते हैं. फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू लुक फॉरवर्ड. एक एनालॉजी बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एक चीज समझ में आ रही है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी अच्छे से अगर समझ में आ रही है तो आप उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेट कर सकते हो. ठीक है, आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सोर्स चार्ज होता था उसने कुछ फील्ड पैदा की. ठीक है, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती थी. क्यों डिपेंड करती थी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज और जो भी हमारे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं मीडियम पे
दोनों का इफेक्ट है, दोनों का रिजल्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बस सोर्स चार्ज के कारण ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड उन सारे चार्जेस के कारण है जो आपके मीडियम में डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप कहते थे डाइपोल्स, डाइलेक्ट्रिक में हमने बात की। तो ये जो मीडियम के जो एटम्स हैं, मीडियम के जो चार्जेस, वो जो पोलराइजेशन उनमें होता है, वो जो डाइपोल्स उसमें बनते हैं, उसके कारण कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट मानते हैं। और इसी कारण जो हमारा जो फोर्सेस लगते हैं चार्जेस पे, अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज है उस पे जो फोर्स लगता है वो दोनों के कारण लगता है, जो इंड्यूस चार्जेस हैं और जो सोर्स चार्ज है, दोनों के कारण लगता है। ओके, सो मीडियम प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल्स क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स मीडियम में, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। जैसे आप परमानेंट मैग्नेट, अगर परमानेंट मैग्नेट होने से पहले उसको देखें तो दैट वाज ए सिंपल सिंपल आयरन ब्लॉक, ओके। लेकिन जब उसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया तो उसको उसमें जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स थे वो सभी अलाइन हो जाते हैं और उसको एक पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देते हैं, एक तरफ पूरा नॉर्थ हो जाता है, एक तरफ पूरा साउथ हो जाता है। तो उसमें भी मैग्नेटाइज होता है, वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो जब हम लोग परमिबिलिटी की आगे बात करेंगे, परमिबिलिटी प्रॉपर्टी की अगले यूनिट में, तो हम ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था डायलेक्ट्रिक के लिए, वैसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए भी ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आप बी फील्ड को वैसा ही देखिए जैसा कि ई फील्ड को देखते हैं और एच फील्ड को वैसा ही देखिए जैसे आप डी फील्ड को देखते हैं। तो इनको आप सोर्सेज मान सकते हो, दीज आर फील्ड प्रोड्यूसिंग सोर्सेज। और ये क्या है, ये इफेक्ट्स है। दीज आर द एक्चुअल फील्ड बीइंग क्रिएटेड इन द इन ए पर्टिकुलर रीजन। ओके, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे आपको कभी भी आप गेट के एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो आगे ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। चलिए हम एक थोड़ा सा लाइमलाइट से हट के थोड़ा काम कर लेते हैं एक, और वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वी हैव डिस्कस ऑल द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ऑल द मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम सारे मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिख लेते हैं, और कोई भी पॉइंट फॉर्म है, मैक्सवेल्स इक्वेशन है, उसको आप उसके इंटीग्रल फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, अगर डाइवर्जेंस और स्ट्रोक्स थ्योरम आपको क्लियर है तो। ओके, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं क्या, गॉसेस लॉ। ओके, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि डाइवर्जेंस of D vector is equal to the source that is producing that source charge. So this is D, so this rho V is the source charge density. अब क्या करो, इसमें दोनों तरफ volume integral कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों तरफ हम क्या करेंगे, volume integral कर देंगे। Okay, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या लगाएंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था कि कोई भी अगर फील्ड है, कोई फील्ड है, उसका डाइवर्जेंस लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो टू डायमेंशन इंटीग्रल में, आप बस क्लोज सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हो, एफ डॉट डी। ओके, दिस इज क्लोज सरफेस एरिया, फाइन, इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, dv को ds में रिड्यूस कर सकते हो, तो दिस इज d वेक्टर ds वेक्टर डॉट c।
surface integral will be equal to rho v dv. This is volume integral, which will be equal to the total charge enclosed. Okay, so ये आपका first Maxwell equation है. This is the the starting one, divergence of vector d is equal to rho v. That is the point form of Maxwell equation, first equation, and this is the integral form. तो पॉइंट फॉर्म क्या था? डायवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रो, दिस इज द पॉइंट फॉर्म. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है. एंड व्हाट दैट सेज, सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो. दिस इज पॉइंट फॉर्म. क्यों जीरो होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइवर्जिंग फील्ड है. ओके, ये किसी सोर्स से बाहर निकलता है और एक पॉजिटिव सोर्स से बाहर निकलता है, नेगेटिव सोर्स पे आके कन्वर्ज होता है. तो अगर इसका आप कभी भी कर्ल निकालोगे, इसका रोटेटरी नेचर निकालोगे, तो वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वो फैलने वाली चीज है, वो इट इज नॉट रोटेटरी इन नेचर. सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. तो दोनों तरफ आप इसमें सरफेस इंटीग्रल ले सकते हैं इसका. ओके, इसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे आप तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप स्टोक्स लॉ लगा सकते हैं. तो स्टोक्स लॉ क्या करता है? सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करता है. तो दिस विल बी लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. और बात भी सही है, क्योंकि अगर आप एक चार्ज लेके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज लेके आगे बढ़ते हैं और फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आपका हमेशा हमने क्या माना है कि आपका पोटेंशियल जो होगा जीरो होगा. ठीक है, सेम पॉइंट का दूसरे उसी सेम पॉइंट से अगर रेफरेंस लेंगे तो हमेशा पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो जीरो आएगा. और ई डॉट डी एल इज सम टाइप ऑफ पोटेंशियल वाली. वी हैव कैलकुलेटेड अवर वी. पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग? माइनस ई डॉट डी एल, इस फॉर्मूले से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे. पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, उसका डॉट लेते थे डीएल से. डीएल इज द डायरेक्शन, पाथ फ्रॉम ए टू बी. और हमने देखा, न्यूमेरिकल भी किया हुआ है कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. और ए और बी अगर सेम पॉइंट होंगे तो हमेशा इंटीग्रल क्या होगा इसका? जीरो होगा. सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म. बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो व्हाट इज द थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन? द एम्पियर लॉ. क्या? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे. तो ये हो गया आपका पॉइंट फॉर्म, थर्ड मैक्सवेल. ओके, तो ये क्या बताता है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग, सम क्वांटिटी. तो कोई एक फोर्स है जो उस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर रहा है. ओके, सो दैट इज जे हियर, द करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी जो भी होगी स्पेस का, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे. हाँ, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी स्ट्रोक्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग. ओके, तो स्ट्रोक्स लॉ लगाने के लिए क्या करना है? सरफेस इंटीग्रल ले लेना है. ओके, इधर भी सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे. दिस जे इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी.
ओके तो इधर तो ये पूरी करंट आ जाएगी, करंट डेंसिटी को अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लाइन इंटीग्रल आ जाएगा एच डॉट डी एल, स्टोक्स लॉ जब अप्लाई करेंगे आप, तो दिस इज योर इंटीग्रल फॉर्म। नाउ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कम्स आउट टू बी क्या होगा, दिस विल बी जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक लूप में चलती है, ठीक, नॉर्थ से साउथ, ओके, एक हमेशा एक लूप में चलती है, तो ये हमेशा मींस एक लूप में होगी तो एक सर्किल लगाएगी, ओके, तो इसका जब भी आप डाइवर्जेंस निकालना चाहोगे, इसके फैलने की क्षमता देखोगे, तो दैट विल ऑलवेज बी कम, ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो, ठीक है, कोई एक क्लोज लूप देखोगे तो आप हमेशा देखोगे कि जितना बाहर गया उतना ही अंदर आया, ठीक है, अगर कोई भी एक प्लेन ले लीजिए आप, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी, ठीक है, तो हमेशा आपको दिखेगा कि जो नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप से बाहर निकलता है, दैट इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो, ओके, तो यहाँ पे भी आप ये पॉइंट फॉर्म है, दिस इज पॉइंट फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से, बी डॉट डी एस क्लोज टू एस इक्वल ऑलवेज बी टू जीरो, तो ये सर्किल क्या बताता है आपको कि वी आर कंसीडरिंग क्लोज लूप लाइक ए स्फीयर, आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इट इज क्लोज्ड, सो क्लोज्ड है और उसमें देखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बाहर निकली नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इज योर इंटीग्रल फॉर्म। जस्ट ए मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर सेशन फॉर टू मिनट्स।